सत श्री अकाल जी सारे थोड़ा भीरे स्वागत है अपनी अज की इस वीडियो दे विच। ते भीरे अज आप थानू जो हैंडमेड अपने ट्रैक्टर प्लेयर होंगे भीरे आप वायरिंग की डिटेल देवे तो आप एल ई डी रिले ऐड करनी है तो उसके बारे भी थानू दसांगे। देख सकते भीरे एम्प तो जोड़ा भीरे एक कपलर है यदा जिदे तार चार तार है अपनी चिड़ी है भीरे अपने कोल रही है जिदी तुम चार तार देख सकते हैं ये चारे तार भीरे चार स्पीकर चार स्पीकर चलूंगे ये उत्ते गिन सकते चार तार ये तो चार स्पीकर चल सकते हैं। तो जी अपने भीरे आ तार कटी अपनी एल ई डी जी अपने लगानी है हूँ मतलब कि दो कलर वाली एल ई डी ये उदी कढ़ी है तुम देख सकते उपर भी अपने पैप के विच दी कढ़ ली। तो जी काली या नीली तार देख रहे भीरे सबवूफर दी है तो जी अपनी काली तार है यह तुम पता ही अर्थ है तो जी नीली तार है भीरे अपने कल स्पीकर चलूंगे जो आप इनू मेन सप्लाई देवे तो जे आप लाल मेन सप्लाई देवे तो अपना एम्प चलूंगा। सब तो पहला भीरे अपनी जी रिले लाउनी अपने जो सबवूफर वाले अपने नीली और काली तार वो अपने कनेक्शन ले लेना एक तो तुम देख सकते आह तार आ भीरे अपने पहले ही लगा ली है ताकि वीडियो लंबी ना बने तो आह अपनी तार भीरे जी अपने बाहर पाइप के बच्चे कढ़ी है तो आप रिले है अपनी 12 वोल्ट वाली 5 पिन वाली सब तो पहला भीरे अपन ये अपना लगभग 60 वोल्ट के करीब होंगे एम्प अपना यह तो आप 330 ओम की रेजिस्टेंस यूज करा भीरे ये ताकि अपनी रिले मतलब कि लंबा टाइम चले तो खराब ना हो क्योंकि ये अपनी वोल्टेज घट जाऊंगी रिले न हर एक चीज़ में भीरे चंगी तरह शोल्डर करना क्योंकि भीरे जो अपनी तारा आपस जुड़ दी तो अपना एम्प भी खराब हो सकता है। देख सकते हो भीरे अपने चंगी तरह इनू तार जोड़ता है तो आप शोल्डरिंग भी कर देंगे उत्ते ताकि अपना जोड़ ना खुले ते दूजी तार है जी अपनी सब ऊपर दी अपने सीधी ही लगा देनी रिले ते देख सकते भीरे अपने जेडे अपने सब ऊपर वाली मेन सप्लाई अपने उदे नाले लगाना हला जिधर अपने रिले दे कनेक्शन करे तुसी भी सेम इसी तरह करने भीरे तो जी अपनी अपनी एल ई डी वाली भीरे आप कनेक्शन तुम देख सकते आप किधर करने कनेक्शन रिले तो एक अपनी एल ई डी हमेशा बलती रहूँगी तो जब अपनी बेस बजूंगी तो अपनी जब बेस वाली एल ई डी बलूंगी तो जी नॉर्मल चलती रहती अपनी बुझ जाती भीरे ये जिन्होंने अपना डुअल कलर एल ई डी आप कह देंगे भी आप ऐड करनी सब म्यूजिक तो आप लास्ट बिच गाना प्ले करके भी दिखावे भी किस तरह वर्क करती है कनेक्शन भीरे ध्यान नाल करने ये जो थोड़े कनेक्शन भीरे उल्ट हो गए थोड़ा एम्प भी थोड़ी रिले दोनों जो कोई भी खराब हो सकता तो भीरे अपने लगभग कनेक्शन पूरे हो गए तो अपने जी 12 वोल्ट मेन हूँ सप्लाई रिले देनी है तो आप कनेक्शन कर लगे भीरे हूँ सेंटर दे विच भीरे अपन इन्हें 12 वोल्ट वाला कनेक्शन देना जिदे विच कि अपने जब आप एम्प ऑन करिए तो 12 वोल्ट हमेशा रहे तो आप उत्थे कनेक्शन देना 7388 एसी बोर्ड के उत्ते 12 वोल्ट की सप्लाई रिले नूं देण लगे है
लगभग भी अपने कनेक्शन पूरे हो चुके ने। तो आप इस भी चंगी तरह हम टेप कर देंगे इनू ता कि अपनी किसी भी एम्प दे बॉडी के नाल अंदरों किधर टच ना हो। जेडे अपने भी ये कनेक्शन करे आप चंगी तरह इनू टेपिंग कर देंगे तो पर ढक देंगे ता कि कल अपना एप हिलण के ना कि अपनी बॉडी के बच्चे टच ना करे। तो लास्ट में आप इनू ग्लू गन नाल कि भी अपनी खाली जगह जिते एम्प दे आपां उत्थे इनू चिपका देंगे। देख सकते भी अपने पूरी सील्ड करती अरले। आप देख सकते कनेक्शन हूँ सप्लाई ना अपना मेन एम्प ऑन कर लिया भीरे जी अपने दो तारा कटिया उस दोहे मेन दी होंदियां ते जिहड़ा अपना एल ई डी का अर्थ हुंदा आपां बॉडी दे विच ट्रैक्टर दे जिकणा बक्स दे विच किते भी दे सकते एल ई डी नूं अर्थ ते दोहे तारा अपने भीरे मेन मेन दी होंदियां ते तुसीं देखो किस तरह अपना कम कर दे। अपने भीर जी एल ई डी वाली अपन तुम तार दिखाई दी आपू भी अपने प्लग लगा लिया मूहरे जिस तरह अपने पहला स्पीकर है सबवूफर वाला सेम उसी तरह का प्लग ला लिया जोड़ा अपने भीर कोई कम नहीं करना ये। तो नैक्सट वीडियो आप ट्रैक्टर के।